ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट या प्रूव दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और दूसरा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। फिर से वही बात मैं कहूँगा कि जब भी दो सेट इक्वल करने के लिए आए कि आपको प्रूव करना है कि ये सेट इक्वल टू ये सेट, हमको हमेशा दो काम करने पड़ेंगे। क्या? जैसे यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक बार, अगर मुझे इन दोनों सेट को इक्वल प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, तो मुझे दो काम करने पड़ेंगे। पहला, मैं ए को बी का सबसेट प्रूव करूँ, और दूसरा बी को ए का सबसेट प्रूव करूँ। अगर मैंने ये दो काम कर दिया तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। तो हम हर क्वेश्चन में ये दो काम करेंगे। अब एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कैसे बनाते हैं, तो इसका तरीका या इसका तरीका एक ही है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि एक एलिमेंट मानो जो एक सेट से बिलोंग करता है, और इसको लेकर के ये प्रूव कर दो कि वही एलिमेंट दूसरे सेट से भी बिलोंग करता है। एक एलिमेंट मानो जो इस सेट से बिलोंग करता है, और इसको ये प्रूव कर दो कि वो दूसरे सेट से भी बिलोंग करता है। समझ रहे हैं? एक एलिमेंट मानिए जो एक सेट से बिलोंग करे, और उसको कुछ भी करके प्रूव कर दीजिए कि वो दूसरे सेट से भी बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा कि ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, और जहाँ ये दोनों चीज़ प्रूव हुई, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आप कहीं पर साइड में नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, हाँ, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बनाना। फिर से दो सेट हमको इक्वल करना है। मेथड मैंने वहाँ पर आपको ड्रॉ कर दिया है, बता दिया है कि क्या क्या करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे वाले स्टेप से स्टार्ट करोगे ये बनेगा, और उसके बाद ये बन जाएगा। तो नीचे से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ओके, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं बनाना। ओके, एक एलिमेंट मानेंगे जो इससे बिलोंग करता है, और उसको प्रूव कर देंगे इससे भी बिलोंग करता है, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। इसी का रिवर्स मानेंगे तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। लेकिन 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 यहाँ पर देखिए, ये यूजिंग प्रॉपर्टीज लिखा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, अगर क्वेश्चन में ये वाली लाइन नहीं लिखी है कि प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तब तो आपके पास पूरी आज़ादी है। आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल कंसिडर करें और क्वेश्चन सॉल्व कर दें अपने मर्जी से। सेट ए को कुछ मान लो, सेट बी को कुछ मान लो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि आपको किसी न किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फिर आप अपने मर्जी से एग्जाम्पल नहीं मानेंगे, प्रॉपर्टी ही यूज़ करके उसको प्रूव करेंगे। अब सेट से रिलेटेड हमने ढेरों प्रॉपर्टी पढ़ी है, इंटरसेक्शन के लिए, यूनियन के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन सा सिचुएशन आता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। समझ गए? लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करके ही इसको प्रूव करना है, दूसरा कोई चारा नहीं, ये याद रखिएगा। तो हमने माना एक एलिमेंट एक्स जो कि किससे बिलोंग करता है, इस सेट से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से। अब इसको इलैबोरेट करते हैं, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में हम करते आ रहे थे। इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं कि एक्स इज एन एलिमेंट विच इज बिलोंगिंग, ओहो, एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर इससे, यूनियन का मतलब। और तो या तो एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा, या एक्स किससे बिलोंग करेगा, इस सेट से, ए यूनियन बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, ये पढ़ने से समझ में आता है, एक्स या तो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब और, तो और लगा दिए। अब ए से बिलोंग करेगा, ये तो हमको चाहिए, देखो यही तो लाना है कि ए से बिलोंग करता है एक्स। हमने क्या माना है कि एक्स इससे बिलोंग करता है, और एक्स इससे भी बिलोंग करने लग जाए तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ तो मिल गई, अब थोड़ा इसमें भी देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। देखो यहाँ से क्या पता चला, x बिलोंग्स टू a यूनियन b का क्या मतलब है, x या तो a से बिलोंग करेगा या x b से बिलोंग करेगा। तो ये एक अलग स्टेटमेंट था, ये एक अलग स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट से पता चला कि x किससे बिलोंग करता है, a से, और इस स्टेटमेंट से भी पता चला कि x किससे बिलोंग करता है, a से। दोनों स्टेटमेंट ये कन्फर्म करते हैं कि x a से बिलोंग करता है। समझे कि नहीं समझे?
और यही तो हमको चाहिए था। बी से बिलोंग करता है, करने दो ना, लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या है? एक्स इससे बिलोंग कर रहा था और हमने ये लेते 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 क्या प्रूव कर दिया कि एक्स ए से भी बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है कि दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट, देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ये पहला स्टेटमेंट हमने बना लिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब चलते हैं उस पार, इसको मिटा दूं मैं, ये डायग्राम आपने बना लिया, ये बहुत काम आएगा। ओके, पहला स्टेटमेंट हमने प्रूव कर लिया, अब हम यहां से चलते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे दूसरा। लेट y be an element which is belonging to set A, है ना। आप ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूं इसको मैं ना, मुझे यूनियन भी लाना है और इंटरसेक्शन भी बनाना है, तब ना ये तो बनाना पड़ेगा, तब ना आएगा। तो हमने ये माना कि y जो है सेट A से बिलोंग करता है। अब एक बात बताओ, अगर y सेट A से बिलोंग करेगा तो ए यूनियन बी कोई सेट होगा, ए यूनियन बी उससे भी बिलोंग करेगा। क्यों? ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए के सभी एलिमेंट, बी के सभी एलिमेंट, उसको यूनियन बोलते हैं। तो अगर वाई ए से बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी कोई सेट होगा, उससे भी बिलोंग करेगा। देखते हैं, ठीक है। देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, हाँ, ए यूनियन बी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसको कैसे लिखेंगे? यहां से दो चीजें हम निकालते हैं, इसको फिर से हम इलाबोरेट कर रहे हैं, देखना। वाई ए से बिलोंग करेगा या ए से बिलोंग करेगा या, अब समझ रहे हो ना क्या बनाना है? ये सिचुएशन समझ में आई? y belonging to a union b, union के लिए और आ रहा है, तो y या तो a से belong करेगा और या y b से belong करेगा। ये तो इधर वाली सिचुएशन हमको मिल गई, ये और लगाने के लिए भी मिल गया, यूनियन बनाने के लिए। अब ये बनाना है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब देखो, शुरू में हमने क्या माना है, y किससे belong कर रहा है? a से, और यहाँ पर y b से belong कर रहा है। इसको हम ऐसे bifurcate करके दो सिचुएशन बना लेते हैं। पहला तो ये दिख ही रहा है y a से बिलोंग करता है, दूसरा शुरू में तो हमने माना ही था कि y a से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर और क्या पता चल गया कि y b से भी बिलोंग कर रहा है। समझ रहे हो ना, a इंटरसेक्शन b बनाना है, ये तो हमने माना ही है a से बिलोंग कर रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ से क्या मिल गई, y b से भी बिलोंग करता है। तो ये बात तो ऐसे ही लिखी जाएगी, और इसकी जगह और इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, y belongs to a intersection b, y a से भी belong करता है और b से भी belong करता है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, y दोनों से belong करता है तो y कॉमन होगा, a intersection b से belong करता है। अब y a से belong करता है या y से belong करता है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, y belonging to a और के लिए क्या, union a intersection b। ये देखो, तो हमने कहाँ से गाड़ी स्टार्ट की थी, y इससे बिलोंग करता है, और कहाँ पहुँच गए, y इससे बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब निकला कि ये इसका सबसेट है, therefore a इज ए सबसेट ऑफ किसका, a यूनियन a इंटरसेक्शन b, और ये है हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा कंटिन्यू। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या प्रूव हो गया, दिस इक्वल टू दिस, a यूनियन A intersection B and this is equal to A, ठीक है, ये हो गया, ठीक, नोट कर लें इसको। छोटा सा चीज और हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ध्यान से समझना। हमको बोला गया था प्रॉपर्टी लगा के इसको प्रूव करो, ये हमने इसको प्रूव कर दिया, लेकिन कहीं पे प्रॉपर्टी हम यूज़ नहीं किए। अगर हम प्रॉपर्टी लगा करके इसको प्रूव करें तो कैसे प्रूव करेंगे,
अगर प्रॉपर्टी यूज़ करने बोला है तो यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, हालांकि इधर भी हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे। प्रूव हो गया ना, आपने जो बनाया करेक्ट बनाया, प्रॉपर्टी कैसे यूज़ करेंगे वो समझो। यहाँ पे देखो ना, हमने सेकंड वाला केस क्या लिया था, वाई ए से बिलोंग करता है, तो वाई एक सेट होगा, ए यूनियन बी उससे भी बिलोंग करेगा। अब देखो वाई ए से भी बिलोंग कर रहा है, वाई इससे भी बिलोंग कर रहा है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू ए एंड, एंड के लिए क्या, ये वाई बिलोंग्स टू ए एज वेल एज वाई बिलोंग टू दिस, सो वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, एंड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेक्शन, एंड दिस इज ए यूनियन बी। देखो ना वाई इससे बिलोंग कर रहा है और वाई इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो वाई दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे इसको। ये हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं इसलिए ऐसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप बना चुके इसको, सॉल्व हो चुका, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कैसे लगेगा, तो देखो कैसे लगता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं यूज कर रहा हूं ना, हाँ ध्यान से देखना, वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन ए, फिर ये यूनियन, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पर हम लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए इंटरसेक्शन ए ये, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ये, यूनियन के ओवर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगाया, ओके। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए और ए में कॉमन क्या होगा, ए के ही एलिमेंट, तो इस चीज को तो हम ऐसा लिख सकते हैं सीधे सीधे ये, और यूनियन क्या बचा, ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो ना ये वही चीज तो बन गई फिर से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो वाई किससे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से, तो हो गया ना, वाई ए से बिलोंग करते हमने माना था, और इसको लेकर के हमने क्या प्रूव कर दिया कि वाई इससे भी बिलोंग कर रहा है, दिस इज स्टेटमेंट नंबर टू, पहला स्टेटमेंट ये था, दूसरा स्टेटमेंट ये आ गया फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू प्रूव, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक, नोट करें। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करके बना सकते हो, ठीक है, मैं एक बार आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे करना है। हमने मान लिया एक एलिमेंट एक्स जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, इससे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से, इसका क्या मतलब होगा कि एक्स या तो इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, हमको क्या चाहिए, देखो हमने माना कि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है तो ये उसका सबसेट बन जाएगा, ठीक। सो एक्स बिलोंग्स टू ए, इंटरसेक्शन के लिए हमने एंड यूज किया, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब यहां से तो एक्स बिलोंग्स टू ए मिलता है स्टेटमेंट से, क्या इधर से भी मिलता है, देखो इसका क्या मतलब होगा, एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब और, एक्स या तो बी से बिलोंग करेगा, यहां से भी हमको ये मिल गया, तो दोनों से हमको क्या पता चल गया कि एक्स ए से बिलोंग करता है, हमने क्या माना था एक्स इस सेट से बिलोंग करता है, और इसको लेकर के क्या प्रूव कर दिया, ए से बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, किसका सबसेट है, सेट ए का सबसेट है, और हम चाहें तो इसमें प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, इस तरह से नहीं प्रूव करना तो इसको प्रॉपर्टी लगा के भी हम ऐसे प्रूव कर सकते थे, ये मेरा पहला स्टेटमेंट आ गया। इसमें प्रॉपर्टी कैसे लगाते, जैसे मैंने बोला एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसमें हम प्रॉपर्टी कैसे यूज करते, वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये एक्स इंटरसेक्शन ये ए इंटरसेक्शन ए, और फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे, तो ए इंटरसेक्शन ए तो ए ही हो जाएगा, एंड दिस इज यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज ऐसे मिलेगी, और इसको हम तोड़ लेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, ए या तो इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग करेगा, तो अल्टीमेटली लास्ट में ये वही रिजल्ट देगा, एक्स ए से बिलोंग करता है, देखो ना एक्स बिलोंग्स टू ए और
एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी से फिर क्या मिलेगा अगले स्टेप में, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए तो दोनों में आ गया ना, तो अल्टीमेटली ये चीज़ तो आ ही जाएगी। तो ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के भी इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ये मैंने सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लगाने के लिए बताया कि ऐसे लगा के भी आप बना सकते हो। अब दूसरा हमको क्या करना है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट y belongs to a, आप बना सकते हो कि नहीं इसको, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करके देखो। y a से बिलोंग कर रहा है तो हम मान लेंगे कि y a यूनियन b से भी बिलोंग करता होगा। y belongs to a यूनियन b, भाई y अगर a का एलिमेंट है और a में a के जितने एलिमेंट हैं वो a यूनियन b में तो आते ही हैं, तो अगर y a से बिलोंग करता है तो y से भी बिलोंग करेगा। अब y दोनों से बिलोंग करेगा तो इसको कैसे लिखोगे, y belongs to a और and y belongs to ये a union b, तो हो गया ना, यहीं पे ख़त्म हो गया, ये चीज़ तो बन गई। a से हमने माना था, ये चीज़ हमने बना दिया, इससे लेके ये आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, a इज ए सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a union b, स्टेटमेंट नंबर टू। सो फ्रॉम स्टेटमेंट वन एंड टू क्या प्रूव हो गया, A intersection A union B is equal to A, proof, ऐसे ऐसे बन जाएगा, नोट कर लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है, शो दैट A intersection B is equal to A intersection C need not imply B equal to C, ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमको ये प्रूव करना है कि अगर A इंटरसेक्शन B हो और ये A इंटरसेक्शन C के बराबर हो, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि B और C दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, समझ रहे हैं, इट इज़ नॉट इम्प्लाई कि ये और ये बराबर हैं तो वो दोनों बराबर ही होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको दो तरह से प्रूफ कर सकते हैं, एक तो एग्जाम्पल मान के प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि कोई कंडीशन तो लिखी नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज़ करो, कुछ नहीं मेंशन है, तो हम एग्जांपल लेके इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसे हम बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे, क्या हमको क्या करना है, दो सेट इक्वल बनाने हैं, और दो सेट इक्वल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये दोनों चीज़ें मुझे प्रूव करनी है b इक्वल टू सी सेट, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि b इज ए सबसेट ऑफ c, और दूसरी चीज c इज ए सबसेट ऑफ b। अगर मैंने ये दो चीज़ें प्रूव कर दी तो ये प्रूव हो जाएगा इक्वल है, जैसे अभी अभी तक हम बनाते आ रहे हैं उस मेथड से इसको हम बना सकते हैं। दूसरा तरीका, एग्जांपल मान के बना लो, एग्जांपल मान के बनाओगे बहुत छोटा कैलकुलेशन आएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन ओरिजिनल तरीका ये है जो हम अभी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो देखिए कैसे बना सकते हैं अपन, तो हमको ये प्रूव करना है कि बी सी का सबसेट है और C B का सबसेट है, तो B इक्वल टू C प्रूव हो जाएगा। तो हम इसको बनाते हैं, देखिए हमने बोला X इज ए एलिमेंट विच इज़ बिलोंग टू सेट B, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है, हमने बोला कि X क्या है, एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, सेट B से। हमारा टारगेट अभी ये है, हम ये प्रूव करने जा रहे हैं B इज ए सबसेट ऑफ सेट B, सेट C, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, x belongs to set b, इसका क्या मतलब है, x set b से belong करता है, अगर set b से belong करता है तो दूसरी चीज़ और क्या हो सकती है कि x set a से belong कर सकता है या नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता है ना। तो हमने ये भी argument लगा दिया कि x may be belong to set a और x may not be belong to set a, x सेट ए से बिलोंग कर भी सकता है, x सेट ए से बिलोंग नहीं भी कर सकता है, समझे। अच्छा अब इसको थोड़ा सा समझना ना, मैं इसको बाइफर्केट कर रहा हूँ। शुरू में हमने क्या माना, x b से बिलोंग करता है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, x a से बिलोंग करता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x a से बिलोंग कर रहा है और हमने माना था x b से बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ बनी। अब x a से भी बिलोंग करता है, b से भी बिलोंग करता है, मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हैं कि सेट A किससे बिलोंग कर रहा है, A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है, A से भी बिलोंग कर रहा है, B से भी बिलोंग कर रहा है, A और B दोनों में कॉमन होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं x A इंटरसेक्शन B से बिलोंग करता है, कॉमन है,
अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन सी के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग करता है, क्योंकि गिवन में लिखा हुआ है दोनों बराबर, इससे बिलोंग करा तो इससे भी करेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक्स ए से बिलोंग करेगा, वह तो दिख ही रहा था, साथ में एक्स और किससे बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब ए से भी करेगा सी से भी करेगा। तो यहाँ से हमको और क्या बात पता चल गई कि एक्स जो एलिमेंट है वो और किससे बिलोंग कर रहा है, सेट सी से भी बिलोंग कर रहा है। अब ये देखो और ये देखो जो हम मान के चले थे, तो हमने क्या माना था कि एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, और ये ले दे के कहाँ पहुँच गए, एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है। तो एक्स एलिमेंट अगर बी से बिलोंग करता है सी से भी बिलोंग करता है, तो बी और सी क्या हो गए, बी इसे सबसेट ऑफ, हाँ समझ गए ना, बी इसे सबसेट ऑफ सेट सी। ये पहली चीज हमने प्रूव कर ली, पहला स्टेटमेंट, समझे कि नहीं समझे, ठीक। अभी तो ये एक पहलू मैंने आपको बताया, इसी का दूसरा पहलू क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या बोला कि x b से बिलोंग कर रहा है और x a से बिलोंग नहीं कर रहा, यही था ना ये वाला, अभी तो इसको लेके बनाया। यहाँ पर हमको क्या बताता है, हमने क्या माना था कि x b से बिलोंग करता है और x a से बिलोंग नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होगा, x a से बिलोंग कर रहा है, सॉरी x b से बिलोंग कर रहा है a से बिलोंग नहीं करता, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करेगा। देख लो a इंटरसेक्शन b से x कब बिलोंग करता है, जब x a से भी बिलोंग करे b से भी बिलोंग करे, यहाँ पर सिर्फ b से बिलोंग कर रहा है a से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b से भी बिलोंग नहीं करेगा, समझ में आया। अब अगर a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये किसके बराबर लिखा है, x डू नॉट या डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करेगा। अब अगर a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब है x ना तो इससे बिलोंग करेगा ना इससे बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि x c से भी बिलोंग नहीं करता, समझे ना, x c से भी बिलोंग नहीं करता। अब इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब क्या निकला, x c से बिलोंग नहीं करता x a से बिलोंग नहीं करता, इसका क्या मतलब निकला, इसका क्या मतलब निकला, x c से बिलोंग नहीं करता x a से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है c इज नॉट ए सबसेट ऑफ a, यही हुआ ना, या c इज नॉट ए सबसेट ऑफ b। देखो ना यहाँ से देखो, x b से बिलोंग करता है x c से बिलोंग नहीं करता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c या c इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि b इज नॉट ए सबसेट ऑफ c, होगा ना, मतलब तो यही हुआ, ये पहले स्टेटमेंट चल रहा है अभी पहला, क्योंकि हम पहले से ही रिजल्ट निकाल रहे हैं, समझ लो। एक छोटा तरीका भी है उससे भी बता देंगे, लेकिन इससे देखो कैसे बन रहा है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि x b से बिलोंग करता है, तो इसके दो और पहलू हो सकते हैं, x b से तो बिलोंग करता है, अब एक सेट और है a, तो हो सकता है x a से बिलोंग करे, या ये भी हो सकता है कि नहीं करे, तो हमने बोला कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। अब x b से भी बिलोंग करता है a से भी बिलोंग करता है, ये वाला सिचुएशन, दोनों से बिलोंग करेगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी कि a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b से बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग करेगा। अब इसका क्या मतलब निकला कि x a से भी बिलोंग करेगा c से भी बिलोंग करेगा, a तो पहले लिखा हुआ है c हमने लिख दिया, अब x b से बिलोंग कर रहा है x c से बिलोंग कर रहा है तो b से सबसेट ऑफ c, ये हो गया। दूसरा जो पहलू था कि x b से बिलोंग करता है लेकिन a से बिलोंग नहीं करता, यहाँ लिख दिए। अब अगर b से बिलोंग कर रहा है a से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका क्या मतलब होगा, a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इससे वही एलिमेंट बिलोंग करेगा जो a में भी आता होगा b में भी आता होगा, ये b में आता है लेकिन a में नहीं आता, इसलिए a इंटरसेक्शन b में नहीं आएगा, बिलोंग नहीं करेगा। अब a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करता तो a इंटरसेक्शन c से भी बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। अब a इंटरसेक्शन c से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब है x c से भी बिलोंग नहीं करेगा, a से तो नहीं कर रहा है पहले ही लिख चुके हैं, a से भी नहीं करेगा c से भी नहीं करेगा, तो हमने लिख दिया c से नहीं करेगा। अब यहाँ देखो x b से बिलोंग कर रहा है लेकिन c से नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब है, b c का सबसेट नहीं है, ये चीज़ हो गई। अब दो रिजल्ट यहाँ से मिल रहे हैं, b c का सबसेट हो भी सकता है b c का सबसेट नहीं भी हो सकता है,
ये क्या लेके चले थे, ये अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बी सी का सबसेट हो भी सकता है, बी सी का सबसेट नहीं भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों हुए तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों बराबर होंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये प्रूव किया ना, सिमिलरली आप ये भी तो प्रूव कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, सिमिलरली हम ये भी तो प्रूव कर सकते हैं कि सी इज अ सबसेट ऑफ बी। सेम टू सेम यही सिचुएशन। कैसे? देखो, हमने बोला वाई एक एलिमेंट है जो किससे बिलोंग करता है, सी से। अगर सी से बिलोंग करता है, ये हमने माना सी से बिलोंग करता है हमने माना, तो दूसरा एलिमेंट कौन है? ए। ए ले लो, बी ले लो, कुछ भी ले लो, बी ले लो, ठीक है। सी से बिलोंग कर रहा है तो ये हो सकता है कि वाई बी से बिलोंग कर भी सकता है और वाई बी से बिलोंग नहीं भी कर सकता। बी ले लो या ए ले लो, कुछ भी ले लो। सी लिए हैं तो ए ही ले लेते हैं, ए। हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये ध्यान से समझ, जैसे इसको बनाए थे वैसे ये बन जाएगा। हमने क्या माना कि वाई सी से बिलोंग करता है। मैं अब इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, सी और बी, लेकिन मेरे पास ये है, सी के साथ ए आता है, इसलिए मैंने बोला वाई अगर सी से बिलोंग करता है, एक दूसरा सेट है ए, वाई ए से बिलोंग कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। आप यहाँ देखो, वाई ए से बिलोंग कर रहा है और वाई सी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है वाई ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग करेगा। वाई अगर ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए से तो बिलोंग करता है, लिख ही चुके हैं ये, और हमको क्या बता देगा कि वाई और किससे बिलोंग करता है, बी से। वाई सी से बिलोंग कर रहा है, वाई बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या बन गया, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी। ये चीज प्रूव हो गई स्टेटमेंट टू से, ठीक है। सिमिलरली यहाँ अगर हम इस बात को लेकर के चलें कि वाई बिलोंगिंग टू सी लेकिन वाई ए से बिलोंग नहीं करता, तो इसका क्या मतलब होगा कि वाई ए इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ए इंटरसेक्शन सी से बिलोंग नहीं करता तो ए इंटरसेक्शन बी से भी बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब है वाई बी से बिलोंग नहीं करेगा, ये। और बी से बिलोंग नहीं करेगा तो क्या होगा, वाई सी से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये दूसरा स्टेटमेंट, तो ये भी पॉसिबल, वो भी पॉसिबल, दो रिजल्ट आ रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन हो जाती है, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो बी और सी दोनों सेट बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में ये रिजल्ट भी तो मिल रहा है कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ये बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी एंड सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या बता देगा, ये बताएगा कि बी और सी दोनों सेट इक्वल नहीं है। जैसे ये दोनों अगर आते हैं तो ये इक्वल है, और अगर ये दोनों सबसेट नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे बी और सी। दोनों रिजल्ट आ रहा है, इसी चीज को क्वेश्चन बोल रहा था प्रूव करने के लिए, इतना लंबा चौड़ा मेथड हमने आपको बताया कि अगर कंडीशन ये और ये बराबर हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बी और सी इक्वल आएंगे हर केस में, नहीं। हमने देखा कि अगर हम ये और ये सिचुएशन कंसिडर करते हैं तो बी और सी इक्वल नहीं आते, समझ रहे हैं। तो इस चीज को लिख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, यहां पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, अगर ये होता है, सो दिस डज नॉट इंप्लाई, इसके आगे लिखोगे दिस डज नॉट इंप्लाई कि बी इक्वल टू सी बराबर होगा, ठीक है ना। ये ऊपर लिखा था हमने, मिटा दिया क्वेश्चन। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी बराबर होगा। हमने करके दिखाया कि ये दोनों सिचुएशन भी पॉसिबल हैं और उससे बी और सी नॉट इक्वल आता है, समझ में आई बात या नहीं आई। अच्छा, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, देखिएगा इसको और आप सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक मिनट में देखो, हमने बोला एक सेट है, सेट का नाम मैंने रखा 1 2 3 4, ये एक सेट हो गया।
दूसरा सेट है बी, इसका नाम हमने रखा 3, 4, 5, 6। तीसरा सेट है सी, इस सेट का हमने नाम रखा 3, 4, 7, 8। ये तीन सेट है ए बी सी, हमने एग्जांपल, हम एग्जांपल कंसीडर करके इसको बना सकते हैं ऐसे। तो हमने मान लिया ये तीन सेट है ए बी सी, समझे ना। आप देखो, हम एक बार ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ध्यान से देखना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसका कलेक्शन। तो ए और बी में कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, देखो ये 3 और ये 4, तो इसमें क्या आया 3, 4। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 3, 4। ए इंटरसेक्शन सी देखो, ए इंटरसेक्शन सी अब क्या लेंगे, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, ये है ए ये है सी, क्या है कॉमन एलिमेंट 3, 4, 3, 4। कॉमन एलिमेंट फिर से क्या आया 3, 4। ये दोनों सेट देखो, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, दोनों एलिमेंट कैसे हैं बराबर, तो दोनों सेट क्या हो गए, दोनों ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो गया, ए इंटरसेक्शन सी, दोनों बराबर हो गए। ये कंडीशन फुलफिल हो गई, हुई ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। क्या बी और सी बराबर हैं, देख लो ये है सेट बी ये है सेट सी, बी में कौन कौन से एलिमेंट है 3, 4, 5, 6, सी में कौन है 3, 4, 7, 8, क्या दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, नहीं है, इसलिए बी और सी इक्वल नहीं है। हो भी सकते थे लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं है ना, तो ऐसे भी इसको तुम सॉल्व करके दिखा सकते हो कि कोई ज़रूरी नहीं है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर हो तो बी इक्वल टू सी ही हो, ऐसा कोई इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, और वो हमने करके दिखा दिया। तो चाहो तो ये एक मिनट के कैलकुलेशन से इसको प्रूव कर लो, या ओरिजिनल तरीका जो यहाँ मैंने नोट किया उससे प्रूव कर लो, ठीक ठीक है। तो इसको यहीं रुकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट करें क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट हैं, और सिचुएशन हमको क्या बताई जा रही है, उस सिचुएशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कंडीशन के बेसिस पर ही आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन हमको दी गई है कि ए इंटरसेक्शन एक्स, अब एक्स भी कोई सेट होगा, समझ रहे हैं ना, तो ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर, बी इंटरसेक्शन एक्स के बराबर, और ये दोनों किसके बराबर, नल सेट के बराबर, एम्प्टी सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए और एक्स दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, कॉमन एलिमेंट निकालें, तो कुछ भी नहीं आएगा, डिसजॉइंट सेट होंगे दोनों ए और एक्स। इसी तरह से बी और एक्स में भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तभी तो ये एम्प्टी सेट आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसका कलेक्शन, तो कुछ कॉमन नहीं मिलता तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो ये सिचुएशन हमको दी हुई है, एंड ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और दोनों के यूनियन इक्वल हैं आपस में, ए और एक्स के यूनियन बी और एक्स के यूनियन दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिचुएशन है, ठीक है, फॉर एनी सेट एक्स। हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी, कि सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल सेट होंगे। फिर से वही रिपीटिशन वाला क्वेश्चन आ गया जिस पर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं क्या, कि जब भी दो सेट हमको इक्वल करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, फिर से याद दिला रहा हूं आपको मैं, तो हम एक ही काम करेंगे, दो सेट हमको इक्वल करना है तो कैसे इक्वल होंगे, तो आंसर है जब दो चीजें होंगी, दो चीजें, पहली चीज क्या है, अगर ए सेट बी का सबसेट बन जाए और बी को हम प्रूव कर दें कि सेट ए का सबसेट है, अगर ये दो चीजें हमने प्रूव कर दी तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि इसका तो हमारे पास सीधे सीधे प्रॉपर्टी ही है, इफ एंड ओनली इफ वाला, डबल इम्प्लीकेशन वाला, याद आया, ओके। ये चीज कैसे हम प्रूव करते हैं, तो इसको अपन ऐसे प्रूव करेंगे कि हमने एक एलिमेंट माना जो ए से बिलोंग करता है, और अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये एलिमेंट बी से भी बिलोंग करता है, तो क्या प्रूव हो गया कि ए बी का सबसेट होगा। इसी तरह से ये बात प्रूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करता है, और इसको अगर हमने प्रूव कर दिया कि यही एलिमेंट सेट ए से भी बिलोंग करता है, तो ये हमको क्या बता देगा कि बी सेट ए का सबसेट है, समझ रहे हैं। और जैसे ही दोनों बातें क्लियर होंगी, ये दोनों सेट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, हमारा जो काम है वो पूरा हो जाएगा, समझ में आई बात। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा हिंट भी दिया है क्वेश्चन में, तो आप चाहें तो हिंट के थ्रू और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, या जो भी लॉ है उसके थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं, या
जिस मेथड से हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं उस मेथड का यूज़ करके, यानी इस मेथड का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व कर लें जैसा कि हिंट में लिखा है क्वेश्चन के, और आप चाहें तो डायरेक्ट इसको बना लीजिए। समझ रहे हैं ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसी से बनाता हूँ क्योंकि ये अब आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन की हेल्प हम लोग बीच बीच में लेते रहेंगे। तो पहली चीज़ जो हमको प्रूफ करनी है, हमारा टारगेट क्या है? टू प्रूव सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, ये हमारा टारगेट है। और इस टारगेट को अप्रोच करने के लिए हमको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करके दिखानी पड़ेंगे कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो नंबर वन स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर आते हैं, ए बी का सबसेट है ये हमको प्रूफ करना है। तो अब आप समझ रहे हैं ना काम क्या करना है? हर क्वेश्चन में हमने यही किया है, तो अब आपको इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, ए बी को इक्वल बनाना है, तो पहले हम ए बी का सबसेट है ये साबित करने जा रहे हैं। तो चलो हम एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, जो किससे बिलोंग करता है, सेट ए से। ध्यान से समझना, अब ये जो सिचुएशंस क्वेश्चन में दी हुई हैं इनको भी हम यूज़ करते चलेंगे। तो ध्यान से देखो, ए हमने क्या माना है, एक एलिमेंट होगा x जो किससे बिलोंग कर रहा है, सेट A से। अब यहाँ पर A यूनियन x की बात हो रही है, A यूनियन x, व्हाट इज़ A यूनियन x? तो आंसर है ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें सेट A के एलिमेंट भी आते होंगे, सेट x के भी एलिमेंट आते होंगे। x कैपिटल x है ना, सेट ये जो x हमने लिखा है ये कोई एलिमेंट है, स्मॉल x। याद रखना, एलिमेंट को शो करने के लिए स्मॉल लेटर हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आया है, एक सेट दूसरे सेट के साथ यूनियन बना रहा है, एक सेट दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, तो ये दोनों सेट हैं, कैपिटल एक्स है यहाँ पर कंडीशन में जो दी हुई है। ठीक है, ओके। तो मैंने माना कि एक मेरा एलिमेंट है छोटा सा एक्स, वो सेट ए से बिलोंग करता है। अगर छोटा सा एलिमेंट एक्स सेट ए से बिलोंग करता है और हमारे पास एक बड़ा सा सेट है ए यूनियन एक्स, ये वाला ए यूनियन एक्स में ए के एलिमेंट भी आ गए, कैपिटल एक्स के एलिमेंट भी आ गए, दोनों के एलिमेंट आ गए, कॉमन एलिमेंट एक बार है। इसका क्या मतलब है, जो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता था वो यूनियन में आ गया कि नहीं, यूनियन से भी बिलोंग करेगा। तो अगर ये एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करता है तो ए यूनियन एक्स से भी बिलोंग करेगा। ये छोटी सी चीज़ तुम्हारे समझ में आनी चाहिए। तो ये हमको क्या इम्प्लाई करता है कि अगर ये सेट ए से बिलोंग करता है तो यही एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए यूनियन सेट एक्स से भी बिलोंग करेगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा, अब इसको समझो, ये क्या है यूनियन, जब भी हम यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या समझते हैं, एक्स या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या सेट एक्स से बिलोंग करेगा, यूनियन मतलब और। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूँ, एक्स या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या यूनियन के लिए और, एक्स या तो सेट एक्स से बिलोंग करेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, इनिशियल कंडीशन हम क्या मान के चले थे कि x किससे बिलोंग करता है, सेट A से बिलोंग करता है, ये तो करता ही है, ये हमने अज्यूम किया था। अब ये लेके हमने स्टार्ट किया, दो सिचुएशन हमको मिल गई। ठीक है, हमारा टारगेट क्या था, सेट A, हमने माना कि x सेट A से बिलोंग कर रहा है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि x सेट B से भी बिलोंग करता है तो ये बात साबित हो जाएगी, A B का सबसेट है। तो ये तो हम ही मान के चले हैं, अब हमको अल्टीमेटली रिजल्ट क्या चाहिए कि x B से भी बिलोंग करता है। अभी यहां ध्यान से देखो, ठीक है, अच्छा हमको B चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, इसका मीनिंग मैंने लिख दिया कि इसका मतलब ये होता है, therefore लगा के ये। अब ध्यान से देखो, अगर x वाला एलिमेंट A यूनियन x से बिलोंग करेगा तो ये किसके बराबर लिखा है, B यूनियन x के, तो इससे बिलोंग करेगा तो इससे भी बिलोंग करेगा क्योंकि बीच में x लगा हुआ है, therefore x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू B यूनियन x, इससे बिलोंग कर मतलब इससे भी बिलोंग करेगा। अब इस चीज का मतलब क्या है, x rather belongs to set B और x rather belongs to set X, ये चीज समझे, x या तो set B से बिलोंग करेगा या set X से बिलोंग करेगा। यहां से हम दो सिचुएशन बना लेते हैं, देखो हम क्या मान के चले थे कि x किससे बिलोंग कर रहा है, A से, तो x A से बिलोंग कर रहा है और यहाँ पर हमको और क्या पता चल गया कि x किससे बिलोंग कर रहा है, सेट B से भी बिलोंग कर रहा है। तो इस चीज को तुम क्या लिखोगे, इससे हमको क्या पता चल गया, A से तो बिलोंग करता है हम मान के चले थे, और यहाँ पर क्या पता चल गया कि x B से भी बिलोंग करता है,
ये हमने मान के स्टार्ट किया था, ये आ गया, अगर ये दोनों चीजें पूरी हो गई तो क्या होगा, ये बात साबित हो जाएगी कि नहीं, ए इसे सबसेट ऑफ बी। तो यहां से इस कंडीशन और इस कंडीशन को देखते हुए अपन क्या बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। तो पहली चीज यहां से प्रूव हो जाएगी, ये वाली चीज, फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये तो सिचुएशन हमको ए इसे सबसेट ऑफ बी देता है, लेकिन ये वाली सिचुएशन हमको क्या देती है, ये देखिए। हम क्या मान के चले थे, देखो एक्स किससे बिलोंग करता है, ए से, ठीक है। दूसरी चीज, एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स से। इसका क्या मतलब होगा, एक्स, ध्यान से देखना, एक्स सेट, ये वाली कंडीशन ले रहा हूं ना, इधर वाली, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और एक्स कैपिटल एक्स से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या लिखेंगे, एक्स किससे बिलोंग करता है, ए इंटरसेक्शन एक्स से। देखो एक्स ए से बिलोंग करता है, हम ही मान के चले थे, यहां पर क्या और पता चल गया कि एक्स कैपिटल एक्स वाले सेट से भी बिलोंग करता है, दोनों से बिलोंग करता है, दोनों से बिलोंग करता है, तो क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन एक्स से बिलोंग करता है, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन एक्स से भी बिलोंग करता है। अब अगर ए इंटरसेक्शन एक्स से, अगर एक्स बिलोंग करता है तो साथ में और किससे बिलोंग करेगा, बी इंटरसेक्शन एक्स से, देयरफॉर दिस इज बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन एक्स, इससे भी बिलोंग करेगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है कि B इंटरसेक्शन X खुद किसके बराबर है, एम्प्टी सेट के बराबर, यानी इसमें कुछ भी नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है कि X जो है एम्प्टी सेट से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके इक्वल ये भी तो लिखा है। तो अगर X एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है तो एम्प्टी सेट के अंदर क्या होता है, कुछ नहीं। देखो एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, खाली सेट को, अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन फुलफिल होती है, एक्स अगर नल सेट से या एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, तो यहां तो एम्प्टी सेट में कुछ नहीं आता, तभी तो उसका नाम एम्प्टी सेट होता है। तो अगर एक्स इससे बिलोंग कर रहा है तो एक्स क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक्स होगा ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा। समझ में आई बात, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ये हमने देखा कि एक्स ए से बिलोंग करता है, एक्स कैपिटल एक्स से बिलोंग करता है, एक्स दोनों से बिलोंग करता है, तो एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स से बिलोंग करेगा, और अगर x a इंटरसेक्शन x से बिलोंग कर रहा है तो b इंटरसेक्शन x से भी बिलोंग करेगा, और b इंटरसेक्शन x से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट से, और एम्प्टी सेट से बिलोंग करना मतलब क्या, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं आता। समझ रहे, तो इसका क्या मतलब है कि x कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर x कुछ भी नहीं होगा तो वो ना तो इससे बिलोंग करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा। बात समझ रहे हैं ना, पहला कंडीशन, इधर वाला कंडीशन हमको ये बताता है, ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको इस चीज को, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं। अगर हमने बोला एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, तो अगर एक्स का प्रेजेंस है, एक्चुअल में एक्स एग्जिस्ट करता है, तो एक्स ए से बिलोंग करेगा, कंपल्सरली बी से भी बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, कंपल्सरली बी से बिलोंग करेगा, अगर एक्स का अस्तित्व है तो। और अगर एक्स है ही नहीं तो ना तो वो ए से बिलोंग करेगा, ना वो बी से बिलोंग करेगा, ना वो एक्स से बिलोंग करेगा, किसी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट से, और एम्प्टी सेट से बिलोंग करने का मतलब है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। समझे, ये इसका मीनिंग हो गया। इस चीज को समझो ना, इस चीज को देखो ध्यान से समझना, बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू एम्प्टी, ये लिखने का क्या मतलब है, नल सेट। इसका यूजुअल मीनिंग क्या है, एक एलिमेंट ऐसा होगा, देखो बी और एक्स दो सेट हैं, बी एक सेट है, एक्स कैपिटल एक्स एक सेट है, दोनों सेट में जब कुछ कॉमन मिलता है तो यहां लिख देते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना मतलब क्या, दोनों में कुछ कॉमन होगा तो यहां पर कुछ आएगा। अब कुछ भी नहीं आया, बी और एक्स दो ऐसे सेट हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी नहीं आया। तो अगर बी और एक्स में कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो एक बात बताओ, जो एलिमेंट बी से बिलोंग करता होगा, अगर वो एक्स से भी बिलोंग करता तो यहां कुछ ना कुछ आता ना, दोनों से बिलोंग करता तो आ जाता वो। अब एक एलिमेंट ना बी से बिलोंग कर रहा है ना एक्स से बिलोंग कर रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों डिसजॉइंट सेट है बी और एक्स। समझ रहे, तो इस चीज का यूजुअल मीनिंग समझिए, अगर एक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, एक्स से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहां कुछ भी नहीं आएगा। आ रहा है ना एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब यही है कि अगर x नल सेट से बिलोंग करता है तो नल सेट से बिलोंग करने का मतलब क्या, वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता इस सेट के अंदर, कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है तो ना तो वो x से बिलोंग करेगा, ना b से बिलोंग करेगा, ना a से बिलोंग करेगा, जो मान के चले थे। समझ रहे हैं ना? तो इस चीज का मतलब क्या है कि देयर इज नो एलिमेंट x, कोई एलिमेंट नहीं होगा, ना वो b से बिलोंग करेगा, ना x से बिलोंग करेगा, ना और किसी से बिलोंग करेगा। बात समझ रहे हैं? यहां से समझ में आए ना ये सिचुएशन देख करके? तो ये छोटी सी चीज आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए कि अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई तो x तो कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ना वो a से बिलोंग करेगा, ना वो b से बिलोंग करेगा, ना वो x से बिलोंग करेगा, क्योंकि a का अस्तित्व ही नहीं है। अगर अगर ध्यान से देखो, अगर x का, अगर x नाम का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो कंपलसरी वो a से भी बिलोंग करेगा तो b से भी बिलोंग करेगा, यानी a b का सबसेट होगा कंपलसरी। लेकिन अगर x कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ना तो वो a से बिलोंग करेगा, ना वो b से बिलोंग करेगा, ना वो x से बिलोंग करेगा, किसी से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है? फाई सेट से। समझ गए? ओके। तो इस चीज को आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो कैसे, कि इफ x या इफ एलिमेंट x, एलिमेंट x एग्जिस्ट एक्चुअली, अगर x वाकई में एग्जिस्ट करेगा तो ये कंपलसरी है कि x किससे बिलोंग करेगा, a से, और x किससे बिलोंग करेगा, b से। देखो x अगर एग्जिस्ट करता है तो a से भी बिलोंग करेगा, b से भी बिलोंग करेगा, यानी ये हमको क्या रिजल्ट देगा, a इसे सबसेट ऑफ b, ये देगा। लेकिन अगर x, अगर हम इस कंडीशन को मान लेते हैं कि x अगर नल सेट से बिलोंग करता है, एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, तो x कुछ होगा ही नहीं। इफ एलिमेंट x डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है, मतलब x कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट के अंदर तो कुछ नहीं आता ना, तो ना तो x सेट a से बिलोंग करेगा, ना सेट b से बिलोंग करेगा, ना सेट x से बिलोंग करेगा, किसी से बिलोंग नहीं करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा, ना इससे बिलोंग करेगा, ना इससे, किसी से बिलोंग नहीं करेगा। समझ रहे? तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती ना, x है ही नहीं तो किसी से बिलोंग ही नहीं करेगा, तो ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। तो यहां पर दो कंडीशन बनती हैं, या तो x है या नहीं है, अगर है तो वो a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, और a b का सबसेट बन जाएगा, और नहीं है तो किसी से बिलोंग ही नहीं करता, तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यहां पर लिख लेना, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, लिख लेना छोटा सा, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सिर्फ कौन सी कंडीशन पॉसिबल होगी, ये वाली, x a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, यानी a इसे सबसेट ऑफ b, ये हमको मिलेगा। तो इस चीज को हम स्टेटमेंट नंबर वन बना लेते हैं, ठीक है? इसको हमने क्या बना लिया, स्टेटमेंट नंबर वन, और ये पहली चीज हमारी प्रूव हो गई। अब हम आते हैं दूसरी चीज प्रूव करने के लिए, क्या, b इसे सबसेट ऑफ a, ताकि जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो प्रूव हो जाए, ठीक है? तो जैसे इसको हमने बनाया सेम टू सेम, उसको भी हम बना लेंगे। ध्यान से देखना ना, बहुत आसानी से बनेगा ये। अब अपन क्या मान लेते हैं, दूसरी सिचुएशन, लेट y बिलोंग्स टू, जैसे x को माना था b से बिलोंग करने के लिए, तो x अगर a से बिलोंग कर रहा है तो b से बिलोंग करवा दिए, ये प्रूव हो गया। अब हम y को बोलेंगे b से बिलोंग करता है, और अगर हमने इसको लेते लेते a से बिलोंग करवा दिया तो b a का सबसेट बन जाएगा। ओके, y b से बिलोंग करता है तो कंपल्सरली b यूनियन x से भी बिलोंग करेगा, ये तो अब तुम्हारे समझ में आना चाहिए, क्योंकि b के सभी एलिमेंट b यूनियन x में आएंगे, इसके यूनियन में, तो इससे बिलोंग कर रहा है। अब अगर b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, b यूनियन x से बिलोंग कर रहा है, तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b, या फिर y बिलोंग्स टू कैपिटल x, या तो y स्मॉल y है ना, ये y या तो सेट b से बिलोंग करेगा या सेट x से बिलोंग करेगा, ऐसे लिख दिया और लगा के यूनियन के लिए। अब यहां ध्यान से देखो, यह हमको क्या चाहिए, a चाहिए ना, तो इसके जगह ये भी हम लिख सकते हैं, अगर y b यूनियन x से बिलोंग करता है, therefore y also belongs to a यूनियन x, ये दोनों बराबर लिखे क्वेश्चन में, देखो कंडीशन में इससे बिलोंग करेगा। अब a यूनियन x से बिलोंग करने का क्या मतलब है, कि y belongs to a और y belongs to x,
वाई ए से भी बिलोंग करेगा, वाई एक्स से भी बिलोंग करेगा। अब ध्यान से देखो, हम क्या मान के चले थे, वाई बी से बिलोंग करता है, और यहाँ पर क्या मिल गया, दो सिचुएशन फिर से क्या बन गई, एक तो हमने माना था वाई बी से बिलोंग करता है, दूसरी चीज यहाँ पर क्या पता चल गई, वाई ए से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब है, बी हमने माना, ए यहाँ पर प्रूव हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि बी ए का सबसेट है। ये दूसरा स्टेटमेंट हमको यहाँ से मिल गया, बी ए का सबसेट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो आ गया, अब अगर इससे इस सिचुएशन से वाई बिलोंग करता है तो क्या होता, देखो हमने बोला वाई बी से बिलोंग करता है और हमने बोला वाई कैपिटल एक्स से भी बिलोंग करता है। अगर हम ये वाला सिचुएशन कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, वाई बी से भी बिलोंग कर रहा है, एक्स से भी बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब होगा, वाई किससे बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन एक्स से बिलोंग कर रहा है, और बी इंटरसेक्शन एक्स से बिलोंग करने का मतलब क्या है, नल सेट से बिलोंग करना, यानी वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एम्प्टी सेट से, जो सिचुएशन यहाँ हमने लिखी थी देख लो। और अगर एक्स एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है या वाई एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, उसका क्या मतलब होगा, ये सिचुएशन यहाँ पर हमने लिख दी थी सेम टू सेम, यानी ऐसा कोई वाई होगा ही नहीं, नल सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट आता है, कुछ नहीं आता, तो वाई का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। देयर इज नो एलिमेंट वाई एग्जिस्ट, देयरफोर दिस इज नॉट पॉसिबल, समझ रहे, ये कंडीशन होगी ही नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि y कोई एलिमेंट ही ना हो, नहीं होगा तभी वो ना b से बिलोंग करेगा, ना a से, ना x से, तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी ही नहीं। तो हमको यही कंडीशन मानना पड़ेगा कि y कोई एलिमेंट है और अगर वो b से बिलोंग कर रहा है तो वो a से भी बिलोंग करेगा, यानी b इसे सबसेट ऑफ a, ये होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों को मिलाए तो क्या हो गया, फ्रॉम स्टेटमेंट वन एंड टू क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल टू b, प्रूव्ड, ये बात प्रूव हो जाएगी, a और b स्टेटमेंट को मिलाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो नोट करो इसको, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड सेट्स a b एंड c। क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, ऐसे तीन सेट पता करो, ए बी और सी, ये हमको पता करने हैं। कंडीशन क्या है, सच दैट, कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, यानी सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसका कलेक्शन, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के बीच जो कॉमन एलिमेंट है उसका सेट, और ए इंटरसेक्शन सी, मीनिंग आप समझ गए, आर नॉन एम्प्टी सेट। इसका क्या मतलब है नॉन एम्प्टी सेट का, यानी ये खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आए, समझ रहे हैं ना, यानी आपको तीन सेट ऐसे पता करने ए बी सी कि जिसमें अगर हम दो दो सेट का इंटरसेक्शन लें, कॉमन एलिमेंट्स अगर हम लिखें, कॉमन एलिमेंट का सेट बनाएं, दो दो सेट का, ए और बी और सी का, ए और सी का, तो ऐसे सेट क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं तो कुछ ना कुछ आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, नल सेट नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हैं ना कुछ आना चाहिए। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी कुछ आएगा, समझ गए, ऐसे तीन सेट हमको पता करने हैं। लेकिन 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 अगर हम तीनों सेट का ए बी सी इंटरसेक्शन निकालें, तीनों में कॉमन देखें तो कुछ भी ना आए, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिले। दो का अगर देखें, ए और बी में अगर कॉमन देखते हैं तो कुछ आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी कुछ आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ मौजूद होना चाहिए। लेकिन तीनों सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालें तो फिर वो नल सेट बन जाए, कुछ भी कॉमन ना मिले, समझ रहे हैं। तो इसको हम एग्जांपल से बनाएंगे, कोई भी एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे देखो, लेट हमने एक सेट माना और इस सेट में एलिमेंट है वन और टू। इस बात का ध्यान रखना कि ए और बी में कुछ कॉमन मिलना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए ये, बी और सी में भी कुछ कॉमन मिलना चाहिए, तब ना इंटरसेक्शन निकलेगा, कुछ ना कुछ आएगा, नहीं आएगा तो फिर वो तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, तो कंडीशन गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे सेट एज्यूम करोगे कि कॉमन निकालें तो कुछ ना कुछ मिले। बी सेट मैंने एज्यूम किया, तो मान लो इसमें मैंने ले लिया 2, 3, दिख रहा है ना, 2, 3। सेट सी हमने एज्यूम किया, इसमें भी कुछ कॉमन ले लें, क्योंकि ए और सी में कुछ कॉमन मिलना चाहिए और बी और सी में भी कुछ कॉमन मिलना चाहिए, तो लो भैया ये ले लिया 1, 3।
ए और सी में भी कुछ कॉमन मिल जाएगा, बी और सी में भी कुछ कॉमन मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई बात? तो अब देखो क्या बनेगा। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी बनाता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में जो कॉमन होगा वही आएगा इसके इस सेट के अंदर। तो देखो क्या आ रहा है, ए और बी में क्या कॉमन है, टू और टू, टू टू कॉमन, तो इस सेट के अंदर क्या आएगा, टू। अगर मैं बी और सी का इंटरसेक्शन लिखना चाहूँ तो बी और सी में क्या कॉमन मिलेगा, बी और सी में वन नहीं है, टू नहीं है, थ्री और थ्री कॉमन है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, थ्री। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी लिखना चाहूँ, ए और सी में कुछ कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा, देखो ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, वन 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 आएगा। ये चीज़ समझे आप, इन तीनों का, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाली चीज़ इसको चेक कर लो। देखो पहली चीज़ हमने ये तीन सेट ऐसे एज्यूम किए हैं कि अगर हम कोई दो दो सेट का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो देखो कुछ आता है, दीज आर नॉन एम्प्टी सेट, कुछ ना कुछ आया, चल गया, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब तीनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है, तुम करके देख लो एक बार, इन दोनों को निकाल के देख लो, या कैसे लोगे, किसी दो का जोड़ा बना के देख लो, ए इंटरसेक्शन बी का और उसके बाद सी सेट के साथ इंटरसेक्शन करवा के देख लो। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, टू, और सेट सी के साथ देख लो, सेट सी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये है। अब सी के साथ हम इसका इंटरसेक्शन यानी कॉमन देख लेते तो कितना आया, इस सेट में वन थ्री है, इस सेट में टू है, क्या कॉमन आया, कुछ भी नहीं आया। कोई भी दो लेके देखो, बी इंटरसेक्शन सी लेके देखो, उसका ए के साथ बना के देख लेना, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये है थ्री, और सेट ए क्या है, वन टू, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तुम करके देख लो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये चीज़ देखो फुलफिल हो गई और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट करो और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।